आज मैं बच्चों आपको कक्षा 11वीं आरोह गलता लोहा के बारे में पढ़ाऊंगा और जो उसके लेखक हैं शेखर जोशी, इनका जो जीवन परिचय है उसके बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ। गलता लोहा शेखर जोशी ने लिखा है, उनका जो जीवन परिचय है वह इस प्रकार है। शेखर जोशी का जन्म 1932 अल्मोड़ा उत्तराचल में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कोसी का घटवार, सात के लोग, दज्जू, हलवाहा, नौरंगी, बीमार है, कहानी संग्रह, एक पेड़ की याद, शब्द चित्र संग्रह, इनको जो सम्मान मिला है वह इस प्रकार है। उनका जो पहला सम्मान था, पिछली सदी का छठवां दर्शक, हिंदी कहानी के लिए युगांतकारी समय था। एक साथ कई युवा कहानीकारों ने अब तक चली आती कहानियों के रंग ढंग से अलग तरह की कहानियां लिखनी शुरू की और देखते देखते कहानी की विद्या साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। पूरे उठान को नाम दिया गया नई कहानी आंदोलन। इस आंदोलन के बीच उभरी हुई प्रतिभाओं में शेखर जोशी का स्थान उच्चतम शिखर पर है। उनकी कहानियां नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। समाज का मेहनतकश और सुविधा विहीन तबका उनकी कहानियों में जगह पाता है। निहायत महज एक अंडर विहीन भाषा शैली में वे सामाजिक यथार्थ के बारीक नुक्तों को पकड़ते और प्रस्तुत करते है। उनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविधा विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में उनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का बड़ा योगदान रहा है। शेखर जी की कहानियां विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, पोलिश और रूसी में अनुदित हो चुकी है। उनकी प्रसिद्ध कहानी दाजू पर चिंड्रस फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। गलता लोहा शेखर चौधरी की कहानी कला का एक प्रतिनिधि नमूना है। समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी करने वाली यह कहानी इस बात का उदाहरण है कि शेखर चौधरी के लेखन में अर्थ की गहराई का दिखावा, बड़बोलापन जितना ही कम है, वास्तविक अर्थ गंभीर उतना ही अधिक है। लेखक की किसी मुखर टिप्पणी के बगैर ही पूरे पाठ से गुजरते हुए हम यह देख पाते हैं कि मेधावी किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन किन परिस्थितियों के चलते उस मनोदशा तक पहुंचता है जहां उसके लिए जाति अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के आफर पर बैठता है ही नहीं, उसे काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारा की प्रस्तावना करता प्रतीत होता है, मानो लोहा गलकर एक नया आकार ले रहा हो। मोहन के पैर अनायास ही शिल्पकार के टोले की ओर मुड़ गए। उन मन के किसी कोने में शायद धनराम लोहार के आपर की वह अनगूज शेष थी।
जिसे वह पिछले 3-4 दिनों से दुकान की ओर जाते हुए दूर से सुनता रहता था। नहाई पर रखे लाल गर्म लोहे पर पड़ती हथौड़ी की छप छप आवाज ठंडे लोहे पर लगती चोट से उठता थनकता स्वर और निशाना साधने से पहले खाली नहाई पर पड़ती हथौड़ी की खनक, जिन्हें वह दूर से ही पहचान सकता था। लंबे बैठ वाले हसुए को लेकर वह घर से इस उद्देश्य से निकला था कि अपने खेतों के किनारे उग आई कांटेदार झाड़ियों को काट छाड़ साफ कर आएगा। बूढ़े बंसीधर जी के बूते का अब यह सब काम नहीं रहा। यही क्या जन्म भर जिस उताही के बूते पर उन्होंने घर संसार चलाया था, वह भी अब पैसे कहाँ कर पाते। यजमान लोग उनकी निष्ठा और संयम के कारण ही उन पर श्रद्धा रखते थे, लेकिन बुढ़ापे का जंजर शरीर अब उतना कठिन श्रम और व्रत उपवास नहीं झेल पाता। सुबह सुबह जैसे उससे सहारा पाने की नीयत से ही उन्होंने गहरा निश्वास लेकर कहा था, आज गुणनाथ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्र पाठ करना था। अब मुश्किल ही लग रहा है, यह 2 मील की सीधी चढ़ाई अब अपने बूते की नहीं, एकाएक ना भी नहीं कहा जा सकता, कुछ समझ में नहीं आता। मोहन उनका आशय ना समझता, तो ऐसी बात नहीं, लेकिन पिता की तरह ऐसे अनुष्ठान कर पाने का ना उसे अभ्यास ही है और ना ही वैसी गति। पिता की बातें सुनकर भी उसने उनका भार हल्का करने का कोई सुझाव नहीं दिया। जैसे हवा में बात कह दी गई वैसी ही अनुतरित रह गई। पिता का भार हल्का करने के लिए वह खेतों की ओर चला था, लेकिन हसुए की धार पर हाथ फेरते हुए उसे लगा वह पूरी तरह कुंद हो चुकी है। धनराव अपने बाएं हाथ से ढोकनी फूंकता हुआ दाएं हाथ से भट्टी में गर्म होते लोहे को उलट पुलट रहा था और मोहन भट्टी से दूर हटकर एक खाली कनिस्टर के ऊपर बैठा उसकी कारीगरों को परखी निगाहों से देख रहा था। मास्टर त्रिलोक सिंह जो अब गुजर गए होंगे, मोहन ने पूछा, वे दोनों अब अपने बचपन की दुनिया में लौट आए थे। धनराम की आंखों में एक चमक सी आ गई। वह बोला, माँ साहब भी क्या आदमी थे, लाला अभी पिछले साल ही गुजरे हैं। सच कहूँ आखिरी दम तक उनकी छड़ी का डर लगा ही रहता था। दोनों हो कर हंस दिए। कुछ क्षणों के लिए वे दोनों ही जैसे किसी बीती हुई दुनिया में लौट गए। गोपाल सिंह की दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींच कर त्रिलोक सिंह स्कूल की 4 दीवारी में उतरते हुए थोड़ी देर पहले तक धमाचौकड़ी मचाते उठा पटक करते और बांज के पेड़ों की टहनियों पर झूलते बच्चों को जैसे सांप सूंघ गया। कड़े स्वर में वह पूछते, प्रार्थना कर ली तुम लोगों ने? यह जानते हुए भी कि यदि प्रार्थना हो गई होती तो गोपाल सिंह की दुकान तक उनका समवेत स्वर पहुंचता ही है। त्रिलोक सिंह घूम घूम कर एक एक लड़के को देखते हुए फिर वही कड़कदार आवाज, मोहन नहीं आया आज? मोहन उनका चहेता शिष्य था, पुरोहित खानदान का कुशाग वृद्धि का बालक, पढ़ने में ही नहीं गायन में भी बेजोड़ त्रिलोक सिंह मास्टर ने उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वही सुबह सुबह हे प्रभु अन्नदाता ज्ञान हमको दीजिए का पहला सर उठाकर प्रार्थना शुरू करता। मोहन को लेकर मास्टर
त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीदें थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। मोहन ठीक ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता। तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। पकड़ इसका कान और लगवा, इससे 10 उठक बैठक वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बैठ खाए या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता था। बीच बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उसका नाम ऊंचा करेगा धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश नहीं रखता था। और धनराम यह वह गांव के दूसरे खेतीहार या मजदूर परिवार के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना तो। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक 1 सेंटी उसकी पिंडलियों पर माँ साहब ने लगाई थी। वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत छड़ी तोड़ कर ला, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद कराता हूँ। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह समान नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि किसी दूसरे को दंडित कर रहा हो। गलता लोहा शेखर जो जोशी हैं, उन्होंने जो जातिगत सामाजिक जो भेदभाव होता है उसके बारे में, मोहन जो एक ब्राह्मण परिवार का बालक है, उसके पिता पंडिताई करते हैं और यजमान जो उनको देते हैं वो घर घर जाके पूजा पाठ करते हैं और उनके यजमान जो उनको कुछ दक्षिणा देते हैं उनसे ही घर परिवार चलता है। और जो मोहन है वह उनके पिता जो बुजुर्ग हो गए हैं उनके हाथ पैर और कार करने की गति कम हो गई है और वह ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं। और जो पाठ होता है पूजा पाठ होता है वो भी कराने में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मोहन जो एक कुशाग्र बुद्धि का लड़का है, पढ़ने में बहुत ही तेज है, लेकिन वह अपने पिता की जो समस्या है उसको नहीं समझता है। इस बारे में शेखर जोशी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में इसका चित्रण किया है, वर्णन किया है। और बच्चों मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।